أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي والصلاة والسلام على رسول الله الكريم। देखिए इससे पहले एपिसोड में हम इन्ना के ताल्लुक से देखे थे। इन्ना जुमले इस्मिया में किसी जुमले इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं जुमले इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए इन्ना भी इस्तेमाल होता है। देखिए इन्ना और अन्ना कल दो बारे में हम दो अल्फ दो इसे क्या कह सकते हैं, इसे हर्फी कहेंगे हम, क्योंकि ये ना फेल है ना इस्म है, तो हर्फ में ही इसका काउंट होगा। तो इन्ना एक हर्फ है, ये जब भी दाखिल होता है वो अपने मुबतदा को, या इसको हम टर्मिनोलॉजी में कहेंगे इन्ना के इस्म को, जो मुबतदा होता है सब्जेक्ट को जो होता है वो नसब दे देता है। तो कल हम देखे थे हामिदुन सालिहुन, हामिद नेक है, तो मैं क्या कहूंगा, बेशक हामिद नेक है, तो इन्ना डाल दूंगा मैं। जब इन्ना डालूंगा तो हामिदुन जाकर ये हामिदन बन जाएगा। अगर मैं हामिद की जगह पर हुआ इस्तेमाल करूं, हुआ सालिहुन अगर बना दूं मैं, अगर इन्ना डाल दिया जाए इस पर, तो वो इन्ना नसब में जाएगा ना, तो ये होगा हुआ नसब में गया तो हु, जर में गया तो हु, तो ये हालत हो जाएगी इसकी और ये अटैच हो जाएगा। इन्नहु सालिहुन, इन्नहु सालिहुन, बेशक वो नेक है। अब इसी तरह से हुमा होता है, हुमा अगर नसब में गया तो हुमा ही होगा। इन्नहुमा सालिहानी, इन्नहुम सालिह हुना, इन्नका सालिहुन, इन्नकुमा सालिहानी, इन्नकुम सालिहुना, इन्नी सालिहुन, इन्ना सालिहानी, इन्ना सालिहुना। उसके बाद इन्नहा सालिहतुन, इन्नहुमा सालिहतानी, इन्नहुन्ना सालिहुन्ना, इन्नकी सालिहतुन, इन्नकुमा सालिहतानी, इन्नकुन्ना सालिहतुन, इन्नी सालिहतुन, इन्ना सालिहतानी, इन्ना सालिहतुन। ठीक है, यहाँ पर मुजक्कर और मौनस की हम कर चुके हैं। अगर आप इसको आसानी से अगर समझ रहे हैं तो मैं एक एक सिंपल एक एग्जांपल आपको देकर चलता हूँ। इन्ना अगर यहाँ पर हिया है, हिया आ जाएगा, इन्ना सालिहतुन। अभी यहाँ पर इसके ऊपर अभी अप्लाई नहीं किया मैं हिया के ऊपर, जब हिया के जाता हूँ तो इन्ना हा हो जाएगा, उसे अटैच हो जाएगा ये इन्ना हा, इन्ना हा सालिहतुन, इन्ना हा सालिहतुन, ये आपका चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये नेक है, मैं इशारे की तरह से बताना चाह रहा हूँ आपको, हाजा सालिहुन, ये नेक है, तो मैं क्या करूँगा, इन्ना डाल दूंगा, हाजा 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 ही रहेगा, इन्ना सालिहुन। अच्छा, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, नसरुल्लाह करीबुन, अल्लाह की मदद करीब है। मैं बोला सर बेशक बोलना चाह रहा हूँ मैं, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इन्ना से पहले, इन्ना के बाद जो मुब्तदा आ रहा है उसका इस्म कौन सा है, नसर है, तो नसरा हो जाएगा ये, इन्ना नसर अल्लाह करीबुन, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। देखिए इसी तरह से अब आप अगर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैद नेक है, इन्ना डाल दो अगर तो जैदन हो जाएगा, इन्ना जैदन सालिहुन। अच्छा, इन्ना के बराबर और एक रहता है इज इक्वल टू लाम, लाम जब अल्लाह, इन्ना के जैसा और एक लाम जब अल्लाह होता है, ये भी ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, मगर ये दरमियान में आता है, कहीं ये दरमियान में आता है, इसको लाम डिस्प्लेस भी कहते हैं। जब ये आता है तो इन्ना के जैसी ही ताकीद पैदा करता है, इज इक्वल टू इन्ना। तो देखिए आप,
मैं बेशक जैद नेक है मैं कह रहा हूँ, और बेशक और बेशक जैद नेक है मैं कहना चाहता हूँ, जिसके अंदर डबल ताकीद लाना चाहता हूँ, तो मैं ये लाम भी डाल दूंगा उनके साथ। देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ इन जैदन सालिहन, तो जब ये लाम आता है ना, ये चेंजेस तो कोई नहीं लाता, मगर इन्ना के जैसा एक ताकीद पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है, चेंज कुछ नहीं लाता ये, तो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा इन्ना जैदन लसालिहन। अब इन्ना और इन्ना दो इन्ना के टाइप की चीज़ आ चुकी हैं, दो ताकीदें आ चुकी हैं, तो उसके अंदर ज्यादा ताकीद बच जाएगी। देखिए मैं एक डायरेक्ट आपके लिए लिख रहा हूँ, अशिरकु जुल्मुन अजीमुन, शिर्क बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़ा अजीम मतलब बड़ा, बहुत बड़ा जुल्म है, इन्ना डाल रहा हूँ इसके ऊपर में, शिरकु जाके शिरका हो जाएगा, इन्ना शिरका जुल्मुन अजीमुन, इन्ना का और एक इक्वल टू लगा के डाल रहा हूँ इसके ऊपर डाल रहा हूँ, इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीमुन। अब यहाँ पर ताकीद पर ताकीद, दो ताकीद दिएंगे बेशक, और इसके अंदर जो आप जो स्ट्रेस से आप बोलना चाह रहे हैं लाम ताकीद इन्ना की जब आ रहा है, तो वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वो इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, तो इसी तरह से एग्जाम्पल ला रहा हूँ मैंने आपके लिए, अल मुनाफिकुना मुनाफी हुना काजिबुना, ये काफ जबर का जी बु उन्ना, इन्ना मुनाफिकुना का, अब मैं इन्ना डाल रहा हूँ तो क्या होगा, मुनाफिकुना जाके यहाँ पर इन्ना जब डाल रहा हूँ मैं, तो मुनाफिकुना मुनाफिकीना में तब्दील हो जाएगा, मुनाफिकुना मुनाफिकीना मुनाफिकीना, इन्नल मुनाफिकीना काजिबुना, यही इन्ना के जैसा और एक ला रहा हूँ इसके ऊपर डाल रहा हूँ, इन्नल मुनाफिकना ल काजिबुना आ गया यहाँ पर, दो इन्ना की ताकीद वाली चीज़ें आ गई, जो तर्जुमा आप कर सकते हैं इससे, ताकीद की ताकीद बढ़ चुकी है, तो आप कैसे करते हैं देखिए आप। नेक्स्ट जब अगर मैं कहूँ तो मेरी नमाज, तो क्या हो गया ये सलाती, मेरी मेरी इबादत, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी किताब किताबी, ऐसा किताबी इन्ना डाल रहा हूँ मैं, तो देखिए आप किताबी अगर ये नसब में भी गया किताबई, मगर इस याए मुतकमिल हो, याए मुतकलिम जो फर्स्ट पर्सन का या होता है, वो या कंपलसरी डिमांड करता है कि वो सामने दे रहा है, इसीलिए आपको तमाम की तमाम ये सेम नजर आएंगी, हालांकि ये नसब की हालत में है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आपको इन्ना का जो चेंजेस थे वो आपको नजर आ रहे हैं। इसी देखिए आप, इन्नल इंसाना, इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, अल इंसानो लफी खुसरिन था वो, इन्ना और ला की कॉम्बिनेशन आ रही है दो, इन्ना ला, इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, ल इन्ना के जैसा आ रहा है, इंसान हो जाके इंसाना हो गया वहां पर, और एक इन्ना इंसाना लिरब्बिही लकनूदिन, ये भी आ रहा है आपको, तो इन्ना के आप ताल्लुक से पढ़े हैं और अन्ना के ताल्लुक से भी आप देख लें, इन्ना पहले आएगा, अगर अन्ना इस्तेमाल होना है तो दरमियान में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, अशहदु अन्ना, अशहदु, ये इन्ना और अन्ना दो सेम है, अगर वो पहले आ रहा है तो इन्ना की शक्ल में आएगा, अगर दरमियान में आ रहा है तो अन्ना है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, देखिए मुहम्मदन जाके मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मुहम्मदन अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अन्ना अगर आ गया है इसमें, अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं, ये बात आ रही है आपको, क्या समझ में आ रहा है आपको अभी, कि इन्ना अगर आ गया तो पहले आएगा, अगर वही अगर लफ्ज वही हर्फ अगर बीच में आ रहा है तो वो अन्ना की शक्ल में आएगा, इन्ना और अन्ना के दरमियान जो डिफरेंस था आपके सामने आ चुका है, और एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह और अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप जहाँ कहीं भी इसके एप्लीकेशन देखें आपको नज़र आएगा कुरान मजीद में। और एक भी आ गया आपको, अगर इन्ना हुआ इन्ना हुआ अला जालिक अला शहीदुन, इन्ना पहले आ रहा है तो इन्ना की शक्ल में आएगा, ये बेशक अगर दरमियान में आ रहा है जुमले के तो अन्ना की शक्ल में आ गया, मतलब दोनों का एक ही है, और ला में ताकीद इन्ना के साथ भी आ सकती है, अन्ना के साथ भी आ सकती है वो, मगर दोनों का मतलब भी बेशक बेशक होगा, और ला में ताकीद पर जब आता है ला में ताकीद, तो चेंजेस तो कोई नहीं लाता अपने इसम पर, मगर इन्ना की जैसा वजन रखता है वो, तो उसको लामे ताकिद कहते हैं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह आसान करे मेरे लिए आपके लिए, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह बिहम्दी का, वनशद अल्लाह तारा तकफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।